श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आपको 13 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। वो 13 कौन से काम है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करना है तो 13 कामों से आपको बचकर रहना होगा। पहला चीज, 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने हैं आपको। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर छोड़कर खल खाली छोड़कर नहीं जाएं। व्रत रखने वाले को दाढ़ी मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। खाने में प्याज लहसुन और नॉनवेज नहीं खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वाले को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले को 9 दिनों तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत रखने वाले को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसे चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। फलाहार जब भी आप करें या कोई भी फलाहार करें तो फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हो तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई नहीं करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है। शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। तो धन्यवाद, हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुंचे। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।